सीमा पर चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे के बीच भारत रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इस फोर्स में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा छोटी दूरी तक मार करने वाले हथियार भी इस फोर्स में शामिल किए जाएंगे। रॉकेट फोर्स को सबसे ज्यादा चीन सीमा और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। रॉकेट फोर्स बनाने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय 7500 करोड़ की लागत से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की 250 यूनिट का ऑर्डर देने वाला है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने में सक्षम होती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए प्रलय को रोकना लगभग नामुमकिन है। वर्तमान में प्रलय की रेंज को और बढ़ाने पर भी काम चल रहा है ताकि उसकी प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सके। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि रॉकेट फोर्स क्या होती है। जब भी युद्ध या सैन्य कार्रवाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में सैनिक, टैंक और लड़ाकू विमानों की छवि बनती है। ये सभी दुश्मनों के साथ सीधे युद्ध में उलझे होते हैं। इसमें व्यापक तौर पर जनहानि की संभावना बनी होती है। ऐसे में युद्ध का ये दृष्टिकोण अब चलन से बाहर होता जा रहा है। भविष्य के युद्धों में तेजी से और निर्णायक रूप से जमीन पर सैनिकों को तैनात किए बिना दुश्मनों को तगड़ी चोट पहुँचाने के लिए नए नए उपाय खोजे जा रहे हैं। उनमें से एक तरीका मिसाइलों से हमला भी है। मिसाइलों की ये खासियत होती है कि वे लंबी दूरी तक बिना जनहानि के प्रभावी तरीके से हमला करने में सक्षम होती हैं। ऐसे में दुनिया भर के शक्तिशाली देश अब सेना के अलग रॉकेट फोर्स का गठन कर रहे हैं। रॉकेट फोर्स देश की मिसाइलों को ऑपरेट करती है। इनका प्रमुख काम सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर हमले को अंजाम देना है। भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती है। इसमें टैंक, तोप और मिसाइलें भी शामिल होती हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत को रॉकेट फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 3400 किलोमीटर की LAC पर भारत के लिए दोहरी चुनौती है। पहला, भारत को भारी पारंपरिक ताकतों के इस्तेमाल के बिना चीनी सेना के खिलाफ युद्ध के लिए विकल्प को तैयार करना है। दूसरा, पर्याप्त लंबी दूरी की मारक क्षमता को बनाए रखना है जिसका इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में तुरंत किया जा सके। ऐसे में एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। बता दें कि देश के दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत ने 2021 में रॉकेट फोर्स बनाने का सुझाव दिया था। इस फोर्स की कमान और नियंत्रण शुरू में एक ही सर्विस के हाथ में दी जा सकती है। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो नौसेना और वायुसेना के लिए भी अलग से रॉकेट फोर्स बनाई जा सकती है। इससे चीन और पाकिस्तान से युद्ध के समय तत्काल जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। ये कार्रवाई इतनी सटीक और प्रभावी होगी कि दुश्मन को हिलने का भी मौका नहीं मिलेगा और मिसाइलें अपना टारगेट ध्वस्त कर चुकी होंगी। देश में रॉकेट फोर्स बनने से सेना के कोर ऑफ आर्टिलरी के ऊपर से दबाव हट जाएगा। ये फोर्स न केवल भारत के स्ट्रेटजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी बल्कि मौका मिलने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तुरंत ही एक्शन में आ जाएगी। स्पेशलाइज्ड यूनिट होने के कारण रॉकेट फोर्स अपने हमलों में और ज़्यादा निखार ला सकती है। भारत दो ऐसे दुश्मनों से घिरा है जहां का प्राकृतिक वातावरण विषम है। चीन की तरह पेलेसी पर हिमालय की दुर्गम चोटियां हैं जहां सैनिकों और भारी हथियारों को आसानी से तैनात नहीं किया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों की संख्या घटाकर रॉकेट फोर्स को जवाबी कार्रवाई के उपकरण के रूप में तैनात किया जा सकता है। बता दें कि DRDO ने प्रलय मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और प्रहार मिसाइल को मिलाकर विकसित किया है। प्रलय की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा ये भारत द्वारा तैनात की जाने वाली एकमात्र पारंपरिक सामरिक युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। इस मिसाइल का संचालन भारत की सामरिक बल कमांड के हाथ में ना होकर रॉकेट फोर्स के हाथों में होगा। ऐसे में प्रलय चीन के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का एक विकल्प बन सकता है। ये मिसाइल चीन के खिलाफ अरुणाचल और लद्दाख में गेम चेंजर साबित हो सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।